पूरी आवाम को बकरीद मुबारक इस बकरीद त्यौहार के मौके पर कल कुर्बानियाँ दी जाएंगी। कुर्बानी जब जीत दी जाने के बाद जो भी वो सामान वामान जो कचरा जो निकलता है वो अक्सर क्या करते हैं, अपने घर के करीब एक कचरा कुंडी है तो वहाँ फेंकते हैं या नहीं तो कुछ बाजी लगा देते हैं। तो 2-3 साल से हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं कि जो भी कुर्बानी के बाद जो भी सामान बाहर फेंकने का सामान जो निकलता है वो प्लास्टिक थैले में डाल के ये JHMC की जो भी गाड़ियाँ कचरे कुंडे की गाड़ियाँ आती रहती है उसमें डालना या नहीं तो एक बाजू लगा दिए तो वो JHMC वाले आके वो सामान पूरा उठा लेकर ले आते, मोहल्ला पूरा साफ़ सुथरा लगाते हैं। इस त्यौहार के मौके पर हम पूरे आवाम से रिक्वेस्ट करें, मोहल्ला जाके हम सबको रिक्वेस्ट करें कि साफ़ सुथरा मोहल्ला पूरा साफ़ सुथरा लगाए और कुर्बानी के बाद सुबह उठ के नमाज के बाद कुर्बानी देते, कुर्बानी के बाद अच्छा ईद मनाए अपन। ईद मनाने के लिए जो है मोहल्ला भी साफ सफा रहना, जो भी मेहमान पूरे मिलने आते रहते अपने ईद के मौके पर, तो JHMC वाले भी प्लास्टिक के बैग्स भी सप्लाई कर रहे हैं हर एक मोहल्ले में। हम कारपेंटर नवाज साहब के सदारत में तकरीबन 2000 प्लास्टिक थैले बांटे और परसों कल शनिवार के दिन, और लोकल कारपेंटर ये महात्मा यहाँ के और शासीपुरम कारपेंटर साहब दोनों 2000 प्लास्टिक थैले दिए, वो भी सबको तकसीम करे। आज भी थैले आ रहे JHMC के, तो कारपेंटर साहब और शास्त्रीपुरम कारपोरेटर और सुलेमान नगर कारपोरेटर नवाज साहब और पूरे कारपोरेटर्स के पास उनके सदारत में मोहल्ला जाके आज रात में भी पूरे घरों के पास प्लास्टिक थैले हम सप्लाई करेंगे। साहब ये रात में आज जो लोग कारोबार करेंगे रोडों पे, उन्होंने कैसे आपका ऐसे बंदोबस्त कैसा रहेगा, खुला मौके पर तो आज ही बहुत खरीदार बहुत रही थी आज, तो उनकी सहूलत के लिए हम पूरे दुकान रात पूरा चलेंगे, क्योंकि लोग हम पूरे हर एक दुकान पर फिर के जो अच्छा बकरा है वो है देख के खरीद करते। तो इस सिलसिले में हम पूरे SIs और सर्कल इंस्पेक्टर्स पूरे मायलादेवपल्ली राजेंद्र नगर और मोइनाबाद पूरे एरिया में एरिया पोलिशन में ठहर के SIs बाहर रह के ज़्यादा भीड़ ज़्यादा रहती है वहाँ जाके, वो अक्सर जहाँ भी पब्लिक ज़्यादा रहता है पिक पॉकेटिंग होने की चांस रहती है, तो प्रिवेंट करने के लिए हमारे क्राइम पार्टीज और SIs पूरा पेट्रोलिंग करते हुए पब्लिक की सहूलत दिलाते हैं, जो दुकानों के पास जाके सामान खरीदना ले आने के लिए सहूलत दिलाते हैं, वो पूरा त्यौहार अच्छा बनाने के लिए आज रात पूरा रात भी आज मार्केट अच्छा रहता पूरा पूरा, और बारिश भी शायद अच्छा धूप भी निकाला तो बारिश नहीं आएंगे आज, तो अच्छी खरीदारी भी होगी। तो बहुत ध्यान से ये फार्म्स में बकरों को डेवलप करके बहुत से लोग लाके दुकान लगाए हुए हैं, तो पूरों की भी हमारी ये उम्मीद करते हैं कि सबकी भी बिजनेस अच्छा हो, 4 पैसे वो लोग कमाए और वो लोग भी ईद अच्छा कर ले घर में। सो हमारे तरफ से राजेंद्र नगर डिवीजन तरफ से आपको बकरीद मुबारक बोलता हूँ। थैंक यू वेरी मच। ओके, कल बकरीद की ईद की सभी मुसलमान भाई और बहनों को राजेंद्र नगर पुलिस की तरफ से ईद मुबारक बोले, और इसी तरह राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन के अंदर जहाँ जहाँ ईदगाहों में और मस्जिदों पे कल पूरा प्रयास चलता है, वो सब एरिया में अच्छी तरह बंदोबस्त भी अरेंज कर दिया जाएगा। हमारे एरिया में ज़्यादा वो हर्षमल ईदगाह के पास और हसन नगर में और राजेंद्र नगर ईदगाह में दरगाह कॉलेज खान में सन सिटी में ये एरियाज में पूरा प्रेयर्स रहेगा, थाउजेंड्स ऑफ मुस्लिम पीपल विल ऑफर प्रेयर्स टुमारो। हमारे तरफ से राजेंद्र नगर पुलिस की तरफ से और बाहर से भी स्पेशल फोर्स को बुला के अच्छी तरह से इनकन्वीनियंस ना होना जैसा पूरा बंदोबस्त हमारे तरफ से तैयार करेंगे, और हमारे तरफ से पूरा मदद भी कल के फेस्टिवल के हिसाब से सभी लोगों को पुलिस की तरफ से रहेगा। और एक बार सभी मुसलमान बहन और भाई लोगों को हमारा राजेंद्र पुलिस की तरफ से ईद मुबारक बोल। साहब अब ये रात में जो कारोबार कर रहे हैं लोग आज रात में नाइट में खुला रहेगा बंद रहेगा? हाँ, अभी तो इंस्ट्रक्शन नहीं है, 12 बजे तक तो खुला रहेगा, 12 बजे तक चलता रहता है। ओके सर।